ऑल राइट तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लावा ब्लेज एक्स। और ये जो स्मार्टफोन है 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट हमारे पास में है इस बढ़िया से दिखने वाले पर्पल कलर में। एंड ये जो स्मार्टफोन है पिछले चार दिनों से मेरे पास में है एंड इन चार दिनों में इस स्मार्टफोन को मैंने ठीक ठाक तरीके से टेस्ट कर लिया है। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने जेन्युइन ओपिनियन इसी फोन के बारे में कि क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए बना है या नहीं बना है, या आपकी एक्स की तरह ये स्मार्टफोन भी आपके लिए नहीं है। क्या इस स्मार्टफोन की खासियत है, क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, क्या कमियां हैं, कहां पर बेटरमेंट हो सकता था, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड गाइस अगर ऐसे ही कॉन्टेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कॉन्टेंट की। तो बॉक्स में आपको ढेर सारा सामान देखने के लिए मिलता है भाई। सबसे पहले आपको अपना फोन रखा मिल जाता है, साथ ही में आपको एक ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है, साथ ही में एक आपको 33 वॉट का चार्जिंग ब्रिक दिया गया है, टाइप सी टू टाइप सी केबल यहां पर आपको मिलती है, टाइप सी टू 3.5mm एडाप्टर भी यहां पर आपको दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में आपको एक सिम इजेक्टर पिन देखने के लिए मिलता है एंड एक यहां पर आपको फ्री सर्विस एट होम वाला कार्ड दिया गया है। मतलब अगर ये फोन आप परचेस करते हैं कुछ दिक्कत इस फोन में आती है तो लावा वाले 24 घंटे में आकर के आपकी समस्या का आपके घर पर समाधान करेंगे, ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है लेकिन यहां पर इस बार आपको प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है, ग्लास बिल्ड यहां पर आपको नहीं दिया गया है। प्लास्टिक का बैक यहां पर आपको दिया गया है, मैट फिनिश के साथ में आता है तो बैक पैनल पर तो फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं लेकिन फ्रंट में शायद यहां पर आपको कोई भी ओलिफोबिक कोटिंग नहीं दी गई है क्योंकि फ्रंट में फिंगरप्रिंट के निशान बहुत आते हैं भाई साहब। फ्रंट पैनल जो है बहुत ज्यादा गंदा होता है, साथ ही साथ ये जो कैमरा बंप है ये भी थोड़ा सा ग्लॉसी है तो यहां पर भी फिंगरप्रिंट के निशान काफी ज्यादा आते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो फोन जो है काफी स्लिम है, काफी लाइटवेट है एंड ग्रिप जो है फोन का काफी अच्छा है। हालांकि ये जो फोन है हाथ से स्लिप काफी ज्यादा होता है तो रेकमेंड मैं करूंगा कि इस फोन को आप कवर लगा करके यूज करें, अदरवाइज गिर गुरा गया तो भाई साहब डिस्प्ले फूटने की समस्या आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई, एलिगेंट लगता है। हालांकि जो कैमरा बंप है काफी बड़ा दिया गया है, काफी भार सा निकला हुआ है लेकिन ओवरऑल दिखने में स्मार्टफोन अच्छा है। फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल दिया गया है, कर्व डिस्प्ले है, चिन भी जो है वो ठीक ठाक साइज की आपको चिन मिलती है एंड दो कलर्स में आपको फोन मिलता है, हमारे पास में ये पर्पल कलर है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आती है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन इस फोन का बढ़िया दिया गया है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.67 इंच का यहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है जहां पर फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है एंड कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया गया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। कलर्स वगैरह यहां पर आपको बढ़िया मिलते हैं। ये जो डिस्प्ले है थोड़ा सा पंची कलर्स दिखाता है भाई साहब लेकिन कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहता है, व्यूइंग एंगल्स आपको बढ़िया मिलते हैं, डिटेल्स आपको डिस्प्ले के अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है। YouTube पर आप मैक्सिमम 1440 पिक्सल्स में वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको दिया गया है तो Netflix पर तो आप फुल HD में कंटेंट देख पाते हैं लेकिन Amazon Prime पर फुल HD कंटेंट नहीं देख पाते हैं, ये अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। बाकी HDR का सपोर्ट तो यहां पर आपको नहीं दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया है। ब्राइटनेस की बात करें 800 nits की ब्राइटनेस दी गई है तो विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है जब आप बहुत ज्यादा हार्श लाइट में इसको यूज करते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से विजिबिलिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है, ब्राइटनेस आपको बढ़िया दी गई है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि एकदम स्मूथली काम करता है, कोई भी जर्क्स या जिटर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन में बहुत अच्छी दी गई है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट यहां पर दिया गया है एंड ये जो चिपसेट है मैंने बहुत सारे फोन के अंदर टेस्ट किया है, अच्छा चिपसेट है, अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इस फोन के साथ में कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू मुझे देखने के लिए नहीं मिला, हीटिंग वगैरह का इशू भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, थर्मल मैनेजमेंट फोन का बहुत अच्छा है। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट के रिजल्ट्स यहां पर आप देख सकते हैं, काफी स्टेबल रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। एंड्रॉइड स्कोर की अगर बात करें तो तकरीबन 430,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल करके आते हैं विच आर नॉट बैड फॉर द प्राइस सेगमेंट एंड गीकबेंच स्कोर्स भी यहां पर आप देख सकते हैं तो बेंचमार्क स्कोर्स पर तो ये जो फोन है बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। एंड नॉर्मल डे टू डे यूसेज की अगर बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है कहीं भी नहीं अटकता है भाई साहब, 5-7 एप्लीकेशन 10 एप्लीकेशन अगर आप बैकग्राउंड में चलाएंगे फिर भी यहां पर आपको कोई भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। मेरे पास में 8GB वाला वेरिएंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से डे टू डे की परफॉर्मेंस तो यहां पर आपको बढ़िया मिल जाती है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। यहां पर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आपको काफी फास्ट मिल जाती है एंड रैम मैनेजमेंट भी इस फोन का मुझे काफी अच्छा लगा, मैक्सिमम एप्लीकेशन रैम में बनी रहती है तो ओवरऑल नॉर्मल यूसेज में तो कोई शिकायत नहीं है। गेमिंग की अगर बात करेंगे तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो फोन है गेमिंग के लिए नहीं बना है लेकिन फिर भी 40 FPS की कैजुअल गेमिंग आप कर सकते
सकते हैं, हल्के फुल्के लैग्स आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कैजुअल गेमिंग में चलता है भाई साहब। जायरो प्लेयर अगर आप हैं तो जायरो डिले यहां पर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ओवरऑल गेमिंग की बात करें, गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहेगा, डे टू डे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है ये स्मार्टफोन अच्छा है, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। सबसे खराब चीज जो मुझे इस फोन के बारे में लगी वो है इस फोन का कैमरा। दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 64+2 मेगापिक्सल के दो कैमरास है। सोनी का सेंसर आपको प्राइमरी कैमरा में दिया गया है, लेकिन इमेज आउटपुट उतने बेटर निकल करके नहीं आते हैं। नॉर्मल डे लाइट की अगर बात करें तो भाई साहब अगर आपने ह्यूमन फेस को सामने नहीं रखा है तो इमेजेस बहुत अच्छी निकल करके आती है, कलर्स आपको बढ़िया मिलते हैं, डिटेल्स आपको इमेजेस में बढ़िया मिल जाती है, थोड़े से पंची साइड पर कलर है, डायनेमिक रेंज आपको अच्छी मिलती है, शार्पनेस इमेज के अंदर आपको बहुत अच्छी मिलती है। ओवरऑल विदाउट ह्यूमन सब्जेक्ट ये जो कैमरा है बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही आपने ह्यूमन सब्जेक्ट को सामने रखा भाई साहब बैकग्राउंड में काफी दिक्कत आती है भाई, लाइट कंट्रोल की बड़ी दिक्कत आती है, डायनेमिक रेंज उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करती है, डिटेल्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है, डिसेंट डिटेल्स आपको मिलती है, हाँ कलर्स वगैरह आपको बढ़िया मिलते हैं, लेकिन स्किन टोन्स जो है वो आपको काफी सॉफ्ट मिलती है। सो यस, मेरे हिसाब से इसको अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो कैमरा है नॉर्मल डेलाइट में विदाउट सब्जेक्ट अच्छा काम करता है, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ में उतना बेटर रिजल्ट्स आपको नहीं देता है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड जो है वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है भाई साहब, बिल्कुल लाइट कंट्रोल अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता ये फोन। हालांकि एज डिटेक्शन वगैरह आपको बढ़िया मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस फोन का जो रेयर कैमरा है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, काफी सारे इंप्रूवमेंट यहां पर किए जा सकते हैं। नाइट की अगर बात करें तो नाइट की इमेजेस भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, ठीक ठाक डिटेल्स हैं, ठीक ठाक कलर्स आपको मिलते हैं, शार्पनेस वगैरह आपको ठीक ठाक मिलती है, तो नाइट में ये जो कैमरा है डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर जाता है। ओवरऑल रेयर कैमरा सेटअप मुझे स्टिल फोटोग्राफी के लिए उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, इसको अपडेट के थ्रू बेटर करना चाहिए। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा में भी सेम दिक्कत है भाई साहब, बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल करने में काफी समस्या आती है। हालांकि डिटेल्स वगैरह आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है, स्किन टोन्स जो है वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पर रहते हैं, थोड़ी सी आर्टिफिशियल स्किन टोन यहां पर आपको देखने को मिलती है, डायनेमिक रेंज बेटर हो सकती थी, शार्पनेस आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो ओवरऑल सेल्फी कैमरा जो है वो डिसेंटली परफॉर्म कर जाता है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो अगेन पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है, एज डिटेक्शन अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन वो भी बेटर हो सकता है, एंड नाइट सेल्फीज की तो क्या ही बात करें भाई साहब, नाइट की सेल्फी जो है बस आ जाती है, क्योंकि उसमें आपको ना तो डिटेल्स मिलती है, नॉइज भी काफी सारा मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए ये जो कैमरा है उतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन इसको अपडेट के थ्रू बेटर किया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो रेयर कैमरा से मैक्सिमम 2K रिकॉर्डिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, एंड कोई स्टेबलाइजेशन यहां पर आपको नहीं मिलता है। वीडियो सैंपल्स आप देख ही सकते हैं, 1080p 60fps 1080p 30fps भी आप कर सकते हैं। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो सेल्फी से मैक्सिमम आपको 1080p 30fps मिलता है, यहां भी कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, एंड वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरा मॉड्यूल इस फोन का मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, कैमरा मॉड्यूल में बहुत ज्यादा बेटरमेंट की गुंजाइश है भाई, एंड अपडेट के थ्रू ये चीजें की जानी चाहिए। इसके बाद में बैटरी की बात करेंगे तो 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। स्लिम सा फोन है भाई साहब, पतला सा फोन है, लेकिन फिर भी 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है, एंड साथ ही में 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। इस फोन को 0 से लेकर 100% चार्ज होने में लगते हैं लगभग 1 घंटा 38 मिनट के आसपास। चार्जिंग स्पीड आपको डिसेंट मिल जाती है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड बैकअप की अगर बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है तकरीबन 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दे देता है, तो बैकअप में भी आपको शिकायत नहीं आती है। ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल इस फोन के अंदर आपको बढ़िया दिया गया है। इसके बाद में बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि एक्यूरेटली काम करता है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। फेस अनलॉक की भी अगर बात करें तो फेस अनलॉक भी थोड़ा सा स्लो है लेकिन एक्यूरेटली काम करता है, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी सारे सेंसर्स की अगर बात करें तो तकरीबन सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, एंड सेंसर्स बढ़िया तरीके से काम भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको शिकायत नहीं आती है। स्पीकर की बात करें तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर यहां पर दिए गए हैं, लाउड इनफ है लेकिन स्टीरियो वाला मजा यहां पर आपको नहीं मिलता है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है लेकिन बेटर हो सकती थी अगर स्टीरियो स्पीकर दिए जाते हैं, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आता है वहां पर स्टीरियो स्पीकर की डिमांड करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस फोन में परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले आपको काफी अच्छा दिया गया है, तो स्पीकर से आप काम चला सकते हैं। उसके बाद में यहां पर जो आपको सिम स्लॉट दिया गया है वहां पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड इस फोन के अंदर आपको कोई भी 3.5mm जैक भी नहीं दिया गया है, ये एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा। हालांकि कनेक्टर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है लेकिन 3.5mm जैक होना चाहिए था। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 पर आपको फोन दिया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है। कोई भी ब्लोटवेयर यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, कोई प्रीलोडेड एप्लीकेशन यहां पर आपको नहीं मिलती है, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड का फील आपको मिलता है। फीचर्स भी यहां पर आपको मिल जाते हैं, ऐप लॉग आपको मिल जाता है, डुअल एप्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है,
साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फीचर है जहां पर आप YouTube वीडियोस को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं विदाउट YouTube प्रीमियम, ये काफी अच्छी बात है। एंड एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग भी यहां पर आपको मिल जाती है, बस आपको जाकर के अल्टरनेट डायलर को ऑन करना है एंड उसके बाद में आप बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपको शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अपडेट्स की अगर बात करें तो केवल एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट यहां पर आपको मिलेगा एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो अपडेट्स अगर थोड़े से ज्यादा दिए जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज ये जो स्मार्टफोन है बढ़िया स्मार्टफोन है। इसके बाद में बात करेंगे कॉल क्वालिटी की, तो यहां पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। इस फोन के साथ में मैंने बहुत सारे कॉल्स लेकर के देखे एंड कॉल्स में आपको कोई भी समस्या नहीं आती, भाई साहब कॉलिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर इस फोन का कैमरा बेटर कर दिया जाए अपडेट के थ्रू तो ये स्मार्टफोन एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहेगा, क्योंकि 15,000 के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन अच्छा है, बैटरी मॉड्यूल आपको अच्छा मिलता है, तकरीबन सारे बॉक्सेस टिक करता है। लेकिन केवल यहां पर जो कैमरा है वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, बाकी सारी चीजें इस फोन के अंदर आपको बढ़िया मिलती है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में, कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, कैसा लगा हमारा रिव्यू एंड क्या ये स्मार्टफोन आप परचेस करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।